कैल्शियम की आवश्यकता हर उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यदि कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आज हम कैल्शियम एक्स पी सिरप के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम एक्स पी सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कैल्शियम एक्स पी एक ऐसा सिरप है जो हमारी कैल्शियम के साथ साथ कई तरह की विटामिन की पूर्ति करता है। ये हमारी हड्डियों के साथ साथ कई तरह की वीकनेस एवं कमजोरी की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो आप इस तरह से कैल्शियम एक्स पी सिरप का यूज करके कैल्शियम की पूर्ति एवं विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में कैल्शियम एक्स पी सिरप है। ये कैल्शियम एक्स पी सिरप का ब्रांड दिया गया, ये बताया गया है एक्सीलेंट टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये यहाँ पर बताया गया है इसमें क्या क्या कंटेंट, यहाँ पर पीछे भी कैल्शियम एक्स पी सस्पेंशन लिखा हुआ है और ये यहाँ पर बताया गया है 200 ml में ये लिक्विड कैल्शियम है। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये मेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंटल कैल्शियम होता है 300 mg, एलिमेंटल फास्फोरस होता 150 mg, एलिमेंटल मैग्नीशियम होता है इसमें 75 mg, एलिमेंटल जिंक होता है इसमें 4 mg एवं विटामिन D3 होता है इसमें 200 IU होता है। तो इस तरह से इसमें कंटेंट है, ये सारे कंटेंट आपकी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, वीकनेस से संबंधित प्रॉब्लम के लिए। चलिए इसकी MRP की बारे में बात करें तो ये 112 रुपये की एक सिरप आती है। चलिए इसकी पैकिंग की बारे में बात करें तो ये कार्टून पैकिंग में है, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं इसकी अंदर पैकिंग कैसी है। तो ये प्लास्टिक पैकिंग में है और ये, चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको किसी तरह की कैल्शियम की कमी है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको विटामिन डी की कमी है, फास्फोरस की कमी है, मैग्नीशियम या किसी तरह की जिंक की कमी है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी होने लगती हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि आपके बच्चों में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो या उसके दांत निकलने में प्रॉब्लम हो, उसके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे चलने फिरने में, मतलब जो बच्चे चलना सीखते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में या बहुत ज़्यादा समय लग जाता है चलने में, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की कैल्शियम की कमी हो रही हो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। आपको जिंक की कमी, मतलब यदि आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी तरह की कमजोरी की प्रॉब्लम हो रही हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इस कैल्शियम एक्स पी सिरप का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए आपको 2.5 ml सिरप देना है और 3 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए आपको 5-5 ml सिरप देना है। और जो अडल्ट होते हैं, बड़ों के लिए आपको 10-10 ml सुबह शाम ये सिरप का खाना खाने के बाद यूज़ करवाना है। तो आप इस तरह से इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट कम से कम देखे जा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट हो, कम से कम मतलब 1-2% ये प्रॉब्लम होती है। यदि आपको किसी तरह की कैल्शियम की कमी, हड्डियां कमजोर होने, आपको जिंक की कमी या किसी तरह की वीकनेस की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं प्रकाश शाक्य 555। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।